छेड़ दिया भाई, तो छेड़ दिया, अबे आ रहा है, निकल 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 निकल, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे, छेड़ दिया भाई ये तुम लोग की हरकतों की वजह से तुम्हें कोई नहीं बुलाता पागलो। रहीम यार खान का बस्ती रांझे खां का है, थोड़ा सा आगे चलते हैं ट्यूबवेल की तरफ। कैसी है गर्मी उमेर? गर्मी बहुत है इधर भाई, बहुत है ना। कराची का मौसम कैसा था? जबरदस्त मौसम था कराची का। हारिस बर्दाश्त हो रही है गर्मी? अभी तक तो हो रही है, आगे चल के देखते हैं। हुजूर बख्श साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। अस्सलाम जी, तो भाई आज मैं आया हुआ हूँ रहीम यार खान पर। कराची की जो बिजी लाइफ है फास्ट, उसको छोड़कर एक दो दिन के लिए रहीम यार खान सादकाबाद आना हुआ है, और यहाँ इस वजह से आना हुआ है कि भाई ज़िंदगी जो है बड़ी फास्ट चल रही है वहाँ पर, तो यहाँ सुकून लेने के लिए, गांव की ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ एक दो दिन के लिए ही सही आना हुआ है। और यहाँ पर आकर भाई एक सुकून मज़ा वो क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है भाई। देखिए आप व्यू चेक कर सकते हैं, व्यू ज़बरदस्त भाई। तो भाई आपको पता है कि सादकाबाद और रहीम यार खान जो है ज़रई ज़मीन है यहाँ पर, ज़्यादा आप यहाँ पर सबसे मेन जो है आम यहाँ का जो मशहूर है, इसके अलावा सब्ज़ियाँ भी काफ़ी उगती हैं, फिर इसके अलावा गन्ना है यहाँ पर, और इसके अलावा आप कीनू ले लें और कॉटन जो कपास है हमारी उसकी तो क्या ही बात है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भाई भरपूर मिलेगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर इंजॉयमेंट भी बड़ा भरपूर मिलेगा। अभी हम लोग बागात देखते हैं, आपको दिखाता हूँ ठीक है, और इसके बाद हम चलेंगे मेन जो यहाँ पर आए हैं ट्यूबवेल पर, क्योंकि गर्मी बहुत है। कराची का मौसम तो काफ़ी बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 40 सेंटीग्रेड के करीब गर्मी चल रही है, क्योंकि मंथ ऐसे है ना भाई, आपको बताए जून जुलाई अगस्त, इन महीनों में गर्मी आपको ज़्यादा मिलती है। तो भाई यहाँ आ गए हैं, रुकेंगे घूमेंगे आपको भी दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं बस्ती रांझे खां। इस वक्त मैं सादिकाबाद के छोटे से एक जो इलाके में रहीमाबाद में हूँ, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं बस्ती रांझे खां, जो करीब ही है, तकरीबन 40 किलोमीटर के करीब है। वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाने की वजह क्या है वो मैं आपको रास्ते में आगे चलकर बताऊंगा। ये हमारे दोस्त शाहरुख भाई साथ में, उमेर भाई भी अंदर मौजूद हैं। कैसी है गर्मी उमेर? गर्मी बहुत है इधर भाई, बहुत है ना। कराची का मौसम कैसा था? जबरदस्त मौसम था कराची का। हारिस बर्दाश्त हो रही है गर्मी? अभी तक तो हो रही है, आगे चल के देखते हैं। तो चलें फिर आगे, मजीद जो सफर है हमारा जारी रखते हैं, वहां पर चलकर आगे बहुत सारी बातें करनी है आपसे, साथ रहिएगा। ट्यूबवेल पर ये जो गर्मी है ना, ट्यूबवेल का जो पानी निकलेगा ना भाई, ठंडा ठंडा जमीन से, बस उसमें सारी गर्मी ख़त्म हो जाएगी। तो बस उसी तरफ जा रहे हैं। व्यू आप लोग चेक कर सकते हैं भाई। ओए होए भाई, कौन से कुत्ते को बुला रहा है भाई? अबे नहीं कर, ये आ गया ना, भागा भी नहीं जाएगा, जगह भी नहीं है ये भागने की। तो ये देखें माशाल्लाह भाई, ये ग्रास इस तरफ जो है पूरी कपास लगी हुई है। नहीं कर आ रहा है। छेड़ दिया भाई, तो छेड़ दिया, अबे आ रहा है। निकल 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 निकल, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे। छेड़ दिया भाई ये तुम लोग की हरकतों की वजह से, तुम्हें कोई नहीं बुलाता पागलो। ये देखें भाई कपास लगी हुई है, और बच्चा मैं भी गिरते गिरते, ये देखें भाई किस तरह हम जा रहे हैं। कपास इधर भी है, इधर भी है। अभी मौसम तो नहीं है उसका, लेकिन ये है क्या लगी हुई है भाई, जाहिर सी बात है। ये कॉटन देखें भाई, ये गिरा हुआ कॉटन पूरी फसल हुआ है, और सामने जो है मेन हाईवे जा रहा है। वैसे ये बस्ती रांझे खां है,
ये वाला जो एरिया है ना रहीम यार खान का, बस्ती रांझे खान का है। थोड़ा सा आगे चलते हैं ट्यूब वेल की तरफ। चल भाई जब जानी यार यानी देखने तो इस तरह आपको आना पड़ेगा। ये देखो भिंडी लगी हुई है, ये तोड़ने वाली है, ये भिंडी है, हां अभी निकलने लगी इस तरह। वो वालपुरी लगी हुई है देखो भाई भिंडी का, माशाल्लाह बड़ी लगी हुई है। ये रही ना भाई, ये रही भिंडी बीज वाली है, ये बीज वाली वो खाने वाली ऊपर जो निकली हुई है बारिश। भिंडी का साइज देख, ये रे भाई कद्दू भी लगे हुए आप देख रहे होंगे। ये देखें भाई इसका साइज अभी तैयार नहीं है लेकिन आप देख सकते हो। हाँ मैं घुस गया तुम ट्यूबवेल भाई, मिल गया हमारे भाई फिलहाल ट्यूबवेल मिल गया भाई। हालात ये भाई असल फुल गर्मी में ओए चले भाई हम भी अंदर उतर ही जाते हैं। आ जाओ मैं पानी में चले अब नहीं जाएगा कुछ भी नहीं होगा। देखो मजा आ रहा है। हाँ आ जा रे यहीं से ले ले स्टार्टिंग। हाँ ट्यूब वेल में तो अब नहा लिया है, अब चलते हैं थोड़ा। ये देखें भाई आपको दिखा दूं मैं गन्ने के जो ये खेत हैं इसके साथ ही ऊपर जो खज्जी के पेड़ है यानी कि ये जो पीली वाली खजूर है इस तरफ जो है भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आम के सारे बागात हैं। आपको पता है कि भाई सादिकाबाद पंजाब में गन्ना कपास और मेन जो है ये जो आम है आम के बागात अच्छे खासे हैं, अच्छी खासी फसल है। तो अभी आपको पता है कि गर्मी है तो ये खज्जी भी लग जाती है। ये ओए होए 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 भाई थोड़ी थोड़ी बहुत सारी गिरी है भाई गिरी है नीचे और अब ये आ गई हाथ में। ओए होए ये आई है भाई पकी हुई। अब ये जरा डंडा भी उठाते हैं हम लोग और ये भाई खन्ने के खेत है। हाँ शाहरुख खाओगे ना जी वीआईपी तो फिर मेहनत करो ये लो डंडा और लगाओ डंडा ऊपर मेरे पे नहीं फेंक दे रहा। अबे तुमने क्या फेंका कुछ नहीं डंडे पे ही गई है। ये आ गई भाई आइए ये देखें भाई हमने भी तोड़ी है जबरदस्त भाई ये आ गई। अब ये मैं जमा कर रहा हूँ खाऊंगा मैं ट्यूबवेल पे बैठ के खाऊंगा। देखते हैं फिर देखते हैं भाई दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी कुछ आई है हमारे हाथ में और बताएंगे कि ये ताज़ी ताज़ी जो हमने दरख से तोड़ी है वो खा के इसका टेस्ट कैसा है भाई। खज्जी नहाने के बाद जो गर्मी है सारी निकल गई ऐसा लग रहा नहीं जैसे हम रिलैक्स हो गया। आप तो भाई बहुत मज़ा आया हम तो आते रहते हैं नहाते रहते हैं। आपको कैसा लगा? एक भाई शाहरुख भाई हमारे लगे हुए फोन पे वो देखो एक भाई हमारे बहुत दूर शादी में लगे हुए। अच्छा तो मैं बता रहा था आप लोगों को ट्यूब वेल में जब हम लोग नहा रहे थे पानी इसके बाद जब जाहिर सी बात है ज़मीनों को भी देना होता है तो वो जब ज़मीनों को दिया है तो इस तरह ये देखिए भाई यहाँ से आ रहा है ये कद्दू की बेल लगी हुई है। कद्दू मैंने आप लोगों को आगे दिखा दिए थे कि किस तरह लग गए थे और ये है लौकी की बेल। ज़रा शाहरुख लौकी लगी हुई है ये देखिए भाई लौकी देखा शाहरुख निकालो शाहरुख भाई ये देखो भाई ये लग गई अभी ये कच्ची है। हाँ लौकी पूरी तैयार है। अरे नहीं अभी छोटी है ये बहुत बड़ी होती है। अच्छा हाँ लेकिन ये जिस तरह पानी लग रहा है निकल जाएगी बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये तो है भाई एक एडवांटेज यहाँ पे ज़रूर होता है कि भाई इस तरह के ना क्या और कुछ देखा है क्या? वही लगे हुए ना इधर तो यही है इधर गन्ने के हैं गन्ने का सीज़न नहीं है तो अभी टाइम लगेगा सर्दी जब आएगी गन्ना उधर पड़ेगा। कौन सा दिखा यार ये भी लगा ये गोल वाला कद्दू है क्या है? और ये कद्दू है मेरे ख्याल से कद्दू लौकी। अब ये एक जैसे ही नाम लगते हैं मुझे तो एक जैसी चीज़ें समझ आती है इतना सब्जियों का पता तो है नहीं। घर की लेने जाते हो तुम सब्जी? नहीं नहीं तो बस तुम्हें भी नहीं आइडिया होगा। ये 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ये तो फसल की बात है पूरी मतलब कि अगर ये जैसे कि गन्नों के खेतों को दें और ये जो ये लगी हुई है लौकी इनको दें तो फिर 5 घंटे तो लगेंगे। सुबह सुबह देते हो? जिस वक्त आपका दिल चाहे आ जाओ आपका दिल चाहे आ जाओ अपनी जमीन है अपना पानी है जब जाए। जी जी ये फसल कितनी देर में लगेगी जैसे लग तो चुकी है तैयार होने में? कोई सीजन होता है लौकी है ना ये? हाँ नहीं है गर्मी शुरू होता है तो लगता है फिर ये सर्दियों में भी चलता रहता है सर्दियों में भी चलता रहता है। और ये गन्ना खास ये ज्वार जो है खास है। हाँ जानू
अच्छा ये व्यूअर है यार, ये 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने तैयार निकालते रहो जानवर वो देते रहो ना, यही है ना, सही अच्छी बात है और क्या, फिर पूरा दिन ऐसे गुजर जाता है टाइम पता ही नहीं चलता होगा। नहीं नहीं टाइम तो पता चलता है, क्या कितनी उम्र हो गई अभी अभी मेरी? हाँ 55। अच्छा बस 8 करीब है यार, इस उम्र में भी सुबह आके काम करते हो शाम में भी कर रहे हो, अल्लाह हिम्मत दे रहा है ना।